हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिशन इन मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों न्यू ईयर आ चुका है, 2021 में आप एंट्री कर चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से बहुत ज्यादा वाली बधाई। बट इस न्यू ईयर में कुछ अच्छी और बुरी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचा दूं। दोस्तों इस समय जो 2021 है, इसमें पहले बुराई बताता हूं फिर अच्छाई बताऊंगा। बुराई ये है कि इस समय सबसे ज्यादा लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मींस डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, बहुत ही तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे फिर एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर प्रोडक्ट सेक्टर हो, कहीं पे भी आप जाओगे हर तरीके से लोग फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब एक्चुअल फूल देने की तो किसी की औकात नहीं, इसलिए लोग फ्रॉड करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर चुके हैं। टीम बना बना के फ्रॉड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग उसमें हैं जो जेन्युइन है, बट मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा 2021 में आपको इस चीज़ को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो तो मुझे आपको गाइड करना अच्छा लगता है कि ठीक है, मैं आपको जो मेरे को पता है मैं आपको बता दूं। तो दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये दोस्तों कि अब आपको न जॉब को बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, इजिली आप जॉब सर्च कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ naukri.com, विद द हेल्प ऑफ इंडीड, या फिर जो भी अच्छे अच्छे मोनेस्टर और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म से आप इजिली जॉब सर्च कर पाते हो। आप में से कई लोग बोल रहे होंगे सर क्या बात करते हो, इतना मेहनत से जॉब सर्च करना पड़ता है। भाई ये कुछ नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बिलीव करिए पेपर में कटिंग होती थी, उस कटिंग को देख के जाके इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप, ऐसा नहीं था कि इंटरनेट नहीं था, बट जिस प्राइस में था वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो आइडिया का 2G 199 का ऐसे ऐसे डांस करता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी आप इजिली कर पाते हो, बस इस चीज़ में थोड़ी सावधानी रख लेंगे तो आपको जॉब इजिली मिल जाएगी। तो ये न्यू ईयर पे मेरा मैसेज है आपके लिए कि थोड़ी सी सावधानी रखिए। सावधानी क्या रखनी है? कोई भी कंपनी होगी, दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज फॉर हायरिंग। उनको पैसे दे के, मतलब आपसे पैसे लेके आपको बुलाना इंटरव्यू के लिए, ये बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देना कि अगर कोई भी कंपनी बोल रही है कि आप इतना पैसे पे करो, आपको इंटरव्यू दिलवाएंगे, कॉल दिलवाएंगे, मतलब वो टोटली फ्रॉड है। अगर आपको फ्री में वैकेंसी मिल रही है, मतलब वो जेन्युइन जॉब है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाइए। दूसरी चीज, जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाइए तो आपको जो भी लेटर आता है, इंटरव्यू के लिए लेटर्स आते हैं, वो लेटर क्या कंपनी के ईमेल आईडी से है क्या? ठीक है, अगर वो कंपनी के ईमेल आईडी से नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ईमेल आईडी से, मतलब आपके साथ फ्रॉड अभी भी हो रहा है, पैसे भले नहीं लिया। आप जब उस लोकेशन पे जाओगे तो उस लोकेशन पे आपको बोला जाएगा इतने पैसे पे कर दीजिए। अब क्या हुआ, आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल किया, एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल किया, बाद में पता चला फ्रॉड तो यहाँ पर भी हो गया, भले पैसा नहीं मांगा, अब ये दूसरे तरीके से पैसा। कुछ लोग सोचेंगे चलो यार देख के इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे भी फ्रॉड हो सकता है। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही अगर आपको मेल आता है, तभी, जैसे कहते हैं ना @gmail.com, ये हम कोई भी बना सकता है, @unixsimil.com, मतलब यूनिक्सिमिल के ऑफिस से आपको जा रहा है मैसेज, ठीक है जी, तभी आप इंटरव्यू को समझिए कि ये जेन्युइन इंटरव्यू है, नहीं तो मत समझिएगा, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। दूसरी चीज, और ये होता है दोस्तों कि हम लोग अभी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, गाइड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो बहुत लोग फैल चुके हैं एकदम से, मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे दे रहे हैं उसको छोड़िए, बट ये ध्यान दीजिए कि हमको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर काम करना है। अगर हमने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो कौन से डोमेन के लिए हम जा रहे हैं? क्योंकि आपने कॉलेज में पढ़ा था कि आपने हाइड्रोलॉजी भी पढ़ी थी, आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी पढ़ा था, आपने मैकेनिक्स भी पढ़ा था, इतने ढेर सारी चीज़ें क्यों पढ़ी थी? सिर्फ इसीलिए कि आगे आप चूज कर पाओ कि आप कौन सी प्रोफाइल में बेहतरीन कर सकते हो, आप कौन सी प्रोफाइल में बेहतरीन। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, किसी को फॉलो टोटली अंधभक्त होके मत फॉलो करो, अंधभक्त से कुछ याद आ जाता है, बट अंधभक्त से होके मत फॉलो करो, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे लाइक करो, आपको लगेगा तो आप जाके सर्च करके खुद ही आओगे। दूसरी चीज,
क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए अंधभक्तों के, क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ गलत मैसेज दिया तो उसको भी आप फॉलो करने की कोशिश करोगे। सो प्लीज आप 2-3-4 जितने भी वीडियोस देख सके उससे कंप्लीट पहले तो कंफर्म करिए कि हमको कौन सी प्रोफाइल में जाना है। कल मेरे पास एक बच्चे ने कॉल किया, सर मैंने 2020 में पास किया है, मतलब बीटेक किया है सिविल में, अब मुझे किस प्रोफाइल में जाना चाहिए? तो मैंने उसको पहले पूछा ऑफिस जॉब या साइड जॉब, उसने बोला सर ऑफिस जॉब। फिर मैंने उसको तीन ऑप्शन दिए, क्या क्या ऑप्शन दिए, मैंने उसको बोला या तो तुम स्ट्रक्चर में जाओ या फिर तुम आर्टिचर में जाओ, आर्टिचर मतलब बीआईएम में जाओ, या फिर आप क्या बोलते हैं डिटेलिंग में चले जाओ। तीन प्रोफाइल है जो ऑफिस के लिए सबसे कंफर्टेबल और सबसे ग्रोथ वाली प्रोफाइल है। कौन कौन सी? एक है बीआईएम इंजीनियरिंग, ठीक है, वो तो पूरा सेक्टर ही है, और दूसरा है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तीसरा है डिटेलिंग। अब क्या हुआ कि अब उसको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे कौन से प्रोफाइल में जाना है। मैंने उसके बाद उसको दूसरा ये बोला कि आप जज करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब कौन से तरह के काम, अच्छे अच्छे मॉडल बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना, वो अच्छा लगता है तो आप बीआईएम चूज करो। अगर आपको स्ट्रक्चर मीन्स ये कैसे हुआ है, यहाँ पर बी में डिफ्लेक्शन इतना आया होगा तो क्या फेल हो गई होगी क्या, ये वाला कॉलम सच में पास करता होगा क्या, ये लोड को उठा पा रहा होगा, एक्सियल लोड कितना आ रहा होगा, इस तरीके का आपका माइंड चलता है। तो प्लीज आप स्ट्रक्चर के लिए जाओ। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यार कितनी स्टील लग गई यहाँ पर, कितना मटेरियल लग गया, ओ माय गॉड, यहाँ पे जो भी जॉइंट्स लगे कौन कौन से जॉइंट्स होंगे, ये बेल्टेड कनेक्शन है कि बोल्टेड कनेक्शन है, क्या है, कुछ इस तरीके से खुराफात आपके अंदर आता है, तो आपको डिटेलिंग में जाना चाहिए। क्यूरियोसिटी है आपको चीजों को जानने की, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, डिटेलिंग्स में जाना चाहिए। ये तीनों बहुत ही अच्छी ऑफिशियल जॉब है। अब इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर बता देता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से लगेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था मैं आपको क्या एड्रेस करूंगा, बट मुझे न्यू ईयर पे आपको कुछ एड्रेस करना था, तो मेरे माइंड में कल का जो उस बच्चे का क्वेश्चन था वही आया, तो मैं वही एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको सबको पता है मैं बहुत देर से बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती हमारे पास। तो जो अपना बीआईएम है उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर आपके लिए नीड होते हैं, वो सॉफ्टवेयर नीड्स होते हैं आपको ऑटो कैड है, रैबिट है, रैबिट में तीनों पढ़िए, आर्टिचर स्ट्रक्चर है बीपी, और उसके साथ नेविस वर्क है, गूगल स्केचअप है, आर्ची कैड है, बट आर्ची कैड नहीं भी सीखोगे चल जाएगा। ये कुछ मेजर सॉफ्टवेयर है। मार्केट में आपको लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि इतने सॉफ्टवेयर के बिना तो आपका कुछ होगा ही नहीं, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, फर्जी, आप लिस्ट में मत पढ़ो, कुछ आता है बट बेहतरीन आता है, वो ज़्यादा अच्छा है, सब आता है बट कुछ नहीं आता है, वो गड़बड़ है, ठीक है जी, इस चीज़ को समझो। मैं आप थोड़ा सा एक्टिव होके जो भी ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं तरह तरह से उस पर बहुत कड़ा एक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग कंपनी दीजिएगा तो डेफिनेटली करूँगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर में जा रहे हो आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? स्टैट प्रो और आरसीडीसी और ऑटोकैड, तीन सॉफ्टवेयर सीखिए, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है आपका, और अच्छे से अपना जो कॉन्सेप्ट है लाइक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट के सब्जेक्ट्स थे थोड़ा उन पर फोकस करिए, जैसे आईएएस कोर्स है अलग अलग, उसके बाद अगर आप अमेरिकन कोर्स पढ़ते हैं और अच्छी बात है, ब्रिटिश कोर्स पढ़ते हैं और अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस इतना। आप बोलोगे सर फिर ये ईटैब सेफ ये सब सीखो, अच्छी चीज़ है, और ईटैब और सेफ उसके लिए बेहतरीन है जो स्टैट प्रो और आरसीडीसी मतलब बेसिक चीज़ें सीख चुका है। अब एडवांस के लिए आप सेफ पे जाओ, सेफ मतलब फुटिंग के लिए, स्लैब के लिए, और उसके साथ आप सीख लो क्या अपना ईटैब सीख लो हाई रिजबिलिटी के एनालिसिस के लिए। तो कुछ इस तरीके से स्टेप से आपके 4-5 सॉफ्टवेयर में आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। फर्जी आप सीखे पड़े हो, जॉब लग नहीं रही है, पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे जो तीसरी डिटेलिंग की प्रोफाइल है, डिटेलिंग की प्रोफाइल के लिए मेरा कॉल आ रहा है, तो डिटेलिंग की प्रोफाइल के लिए आपको अगर अच्छे से करना है तो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है टेक्ला डिटेलर और ऑटोकैड। टेक्ला डिटेलर और ऑटोकैड मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर है, और रैबिट स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो और आपका एडवांस स्टील से भी कर सकते हो, बट टेक्ला सबसे ए ग्रेड का सॉफ्टवेयर है। तो टेक्ला यूज कर सकते हो और ऑटोकैड यूज कर सकते हो। दो सॉफ्टवेयर में आप डिटेलर की प्रोफाइल पा चुके हो, तीन सॉफ्टवेयर में आप स्ट्रक्चर की प्रोफाइल पा चुके हो, 4 सॉफ्टवेयर में बीआईएम की प्रोफाइल पा चुके हो, तो फिर क्यों भीड़ लगाना चीजों की? तो फोकस हो जाओ कि मुझे कौन सी प्रोफाइल के लिए काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे एस्टिमेशन में जाना है, बिल्कुल जा सकते हो एस्टिमेशन पे, तो एस्टिमेशन की ही चीजें सीखो ना, दुनिया भर की चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस्टिमेशन पे फोकस करो। मेरा क्या करना है, मैं अगर निशाने के लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो निशाना लगाने के लिए सिर्फ एक बंदूक चाहिए और गोली चाहिए और एक जगह चाहिए जहाँ पे लगाना है, राइट, उस पर प्रैक्टिस करता हूँ ना। अब निशाना मुझे लगाना है, उसके साथ मैं
कुछ और ही काम करने की सोच रहा हूँ कि अच्छा ठीक है ये बंदूक कहाँ से आती है, ये गोली कहाँ से, क्या मतलब है, टूल आ चुका है ना, चलो फायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो निशानेबाज ऐसे होते हैं। तो हमें बस फोकस होना है न्यू ईयर पे, बस इतना सा मेरे तरफ से एक मैसेज था, कर दीजिए। और एक मैसेज और दूंगा बट इस चैनल पर नहीं दूंगा, आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे, क्योंकि आप सब मेरे एक तरीके से बॉन्डिंग है यार आप सब से, क्यों आप लोग की वजह से ही तो कुछ हूँ, ठीक है। तो एक रिलेशन है, तो मैं चाहूंगा कि हर चैनल पर जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, हम सबको थोड़ा बहुत जो नॉलेज मैं एड्रेस करूंगा, और उसके साथ ही साथ अपने यूनिक फाउंडेशन वाले चैनल से सबको जोड़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा अच्छे लोग अपने साथ जुड़ेंगे थोड़ा सा बाहर की दुनिया में, उतना अच्छा सराउंडिंग हम कर सकते हैं। और जो इंसान अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ काम कर सकता है उसकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता, ऊपर वाला भी कहेगा कर ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।